हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मंदी एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल बच्चों ये है टारगेट 23 बैच जिसमें नीट 2023 और जई 2023 के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है बहुत डिटेल में करवाई जा रही है एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टाइप का क्वेश्चन करवाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हर एक लेक्चर के साथ आपको दी जाती है डी वर्कशीट जिसमें उस लेक्चर में जो भी कराया उस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें और हर एक लेक्चर के साथ आप जीत सकते हो अपनी फेवरेट बुक्स यानी डी पांडे बी शर्मा एस अरोड़ा HC वर्मा एट योर फिंगर टिप्स इन सारी बुक्स की हार्ड कॉपीज कैसे जीत सकते हो उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो शुरू करते हैं बच्चों वर्क एनर्जी पावर हमारा चल रहा है और उसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सब सीरीज है मतलब ये वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक है बट ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है जिसपे चार पांच वीडियोस बनेंगे तो आज इससे रिलेटेड सिर्फ बेसिक बेसिक सी बातें होंगी को है टॉपिक का नाम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें होंगी इलास्टिक कोलिजन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी सिर्फ हम लोग डेरिवेशन करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा तो शुरू करते हैं कोलिजन क्या है कोलिजन का मतलब है सिंपली टकराना दो चीजों का आपस में टकराना तो उस टकराने की फिजिक्स क्या है उसको हम समझने आए हैं तो ये जो टकराना है फिजिक्स के हिसाब से ये टकराना यानी कि कोलिजन दो तरह का हो सकता है इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन दोनों को बहुत ध्यान से हमने समझना है हालांकि ये बिल्कुल वही है जो हमारे आसपास हो रहा है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हमको समझ में आ जाएगी बात अगर आपको ये टर्म्स ना बताई जाए आपको वैसे ही बोला जाए कि कोलिजन जो है वो अपने आसपास देखो और बताओ दो तरह की होती है अगर आप ध्यान दो तो एक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज टकराती हैं और उनकी शेप डिफॉर्म नहीं होती है एक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज टकराती हैं उनकी शेप डिफॉर्म हो जाती है अगर दो रबर बॉल्स टकराएंगी तो टकराने के बाद भी वैसी ही रहेंगी लेकिन दो गाड़ियां टकराएंगी तो चकना चूर है ना उनकी शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगी अगर आप ये मुक्का मारो क्ले में तो क्ले पिचक जाएगी और यही मुक्का मारो अगर रबर की बॉल पे तो ऐसे जाएगा या कुशन पे मारो ऐसे जाएगा और वापस आ जाएगा तो वो अपनी शेप रीगेन कर लेगी दो ही तरह की कोल्यूजन होती है या तो शेप बिगड़ जाएगी या शेप बिल्कुल वैसी हो जाएगी कोलिजन के बाद तो बस इसी को हमने कैटेगराइज कर दिया है जिसमें बॉडीज अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेती हैं वो है इलास्टिक और जिसमें नहीं कर पाती हैं उसमें उसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक अब कोई भी कोलिजन पूरी नेचर में ना ही तो पूरी तरह इलास्टिक होती है ना ही पूरी तरह इनइलास्टिक होती है मतलब ऐसा भी कभी नहीं होता कि बॉडीज अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर ले और ऐसा भी कभी नहीं होता कि बॉडीज अपनी शेप थोड़ी सी भी रीगेन ना कर सकें जैसे आपने देखा दो रबर बॉल्स आपस में टकराई अगर दो रबर बॉल्स आपस में टकराएंगी तो आपको देखने में तो लगेगा कि उन्होंने शेप रीगेन कर ली लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा शेप में और अगर आपको आप आप क्ले में ऐसे मारोगे मुक्का और आपको लगेगा कि क्ले पूरा अंदर पिचक गया है लेकिन कुछ ना कुछ रीगेन वहां भी हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है इसमें कुछ ना कुछ रीगेन हुआ है लेकिन अगर हम हाइपोथेटिकली एक कैसी कोलिजन मान लें जिसमें बिल्कुल भी आ, डिफॉर्मेशन हुआ ही ना हो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बट मान ले कि, कि किसी एक कोलिजन है ऐसी जिसमें बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन ना हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और एक ऐसी हाइपोथेटिकल कोलिजन मान लें जिसमें बिल्कुल भी बॉडीज ने शेप रीगेन ना करी हो तो वो कहलाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकली देखें तो जो कोलिजन है इनके बीच में ही कुछ होती है जैसे क्रिकेट की बॉल है अब क्रिकेट की बॉल हर 40 ओवर के बाद चेंज करनी पड़ती है क्यों क्योंकि वो बॉल शेप बदल देती है लेकिन अगर एक बॉल डालने के बाद बॉलर ने एक बॉल डाली और बैट्समैन ने बैट से बॉल को मारा उस वक्त आपको बॉल दिखाई जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी शेप में कोई चेंज हुआ आप बोलोगे बिल्कुल वैसी की वैसी है लेकिन क्या चालीस ओवर चालीसवें ओवर की आखिरी बॉल के बाद एकदम से शेप चेंज हो गई नहीं थोड़ी 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 हो रही थी हमें पता नहीं चल रहा था तो जो कोलिशन हमें परफेक्टली इलास्टिक दिखाई देती है यानी जिनमें हमें देख के लगता है कि शेप कंप्लीटली रीगेन हो गई उनमें भी थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन बचा होता है तो परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होती है बट फिलहाल फिलहाल इस लेक्चर में हम वही कोलिजन को डिस्कस करने वाले हैं जो परफेक्टली इलास्टिक है दूसरी को भी करेंगे बट मैंने बोला ना धीरे धीरे चलेंगे हर एक लेक्चर में पढ़ेंगे एक एक चीज डिटेल में तो यहां पे हम सिर्फ वही कोलिजन्स पढ़ने वाले हैं विच आर परफेक्टली इलास्टिक ठीक तो पहले हम लोग डिफाइन कर लें अ कोलिजन इन विच बॉडीज रीगेन शेप्स कंप्लीटली अब मैं कंप्लीटली लिख रहा हूं ना तो मतलब मैं कौन सी कोलिजन डिफाइन कर रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक इन सच अ कोलिजन इन सच अ कोलिजन ऐसी कोलिजन में यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंटम रिमेन्स कंजर्वड एंड नंबर टू मोमेंटम रिमेन्स कंजर्वड मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है नंबर टू ये तो देखो कंजर्व रहेगा अगर हम जो दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वही हमारा सिस्टम है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा वो चाहे ये हो चाहे ये कोलिशन हो मोमेंटम थोड़ी चेंज होगा लेकिन इस कोलिजन की इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ये क्या इंपॉर्टेंट बात है इसको जरा रट्टा मार लो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व क्यों क्योंकि ऐसी कोलिजन में बॉडीज अपनी शेप रीगेन कर लेती हैं। भाई जब बॉडीज टकराती हैं तो उनकी जो शेप डिफॉर्म हुई है उस शेप को डिफॉर्म करने के लिए एनर्जी आती कहां से जब बॉडीज टकराती हैं तो शेप जो डिफॉर्म हुई है उसको डिफॉर्म करने के लिए जो बॉडीज की कानेटिक एनर्जी है वही तो यूज होती है तो इस वाले केस में जिसमें शेप डिफॉर्म हुई है बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी शेप को डिफॉर्म करने में यूज हो गई लेकिन इस केस में बॉडीज की कानेटिक एनर्जी शेप को डिफॉर्म करने में यूज ही नहीं हुई क्योंकि शेप डिफॉर्म नहीं हुई इसलिए

इस क्लास में हम लोग मेनली फोकस करने वाले मेनली क्या सिर्फ फोकस इसी पे करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन ठीक है इलास्टिक डायमेंशन में, तो में एक एक चीज पढ़ाऊंगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम ये मानेंगे कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है और वन डायमेंशन में हो रहा है यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद वो इसी लाइन के अलॉन्ग रहेंगी ये लाइन नहीं छोड़ेंगी टू डायमेंशन में भी होगी ना अगर इधर से टकराएगी इधर चली जाएगी इस तरीके से कुछ लेकिन उसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे सो so, आज की क्लास में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन तो वही हैडिंग डाल ली जाए सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमारे पास सिचुएशन ये है कि दो बॉडीज हैं बॉडी ए मान लो इसका मास है एम वन और ये यू वन विलॉसटी से रही है इसका मास है एम वन और ये यू वन विलॉसटी से जा रही है इसके आगे आगे एक बॉडी जा रही है बी जो यू टू विलोसटी से रही है और इस बॉडी का मास बी का मास हम मान लेते हैं कि एम टू है मान लेते हैं यू वन जो है वो यू टू से ज़्यादा है तो चलते चलते ये इसको हिट करेगी है ना ये चलते चलते क्या करेगी इसको ठोक देगी टक्कर मारेगी और टक्कर मारने के बाद इमेजिन करो टक्कर मारने के बाद क्या होगा बी की बी और आगे निकल जाएगी बी की स्पीड बढ़ जाएगी होता क्या है कि अपनी कानिक एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देती है टोटल सेम रहता है अभी पूरा हम लोग पढ़ेंगे ठीक तो आफ्टर <coughs> कोलिजन क्या होगा आफ्टर कोलिजन ये जो बी है जिसका मास एम टू है ये वी टू स्पीड जो कि वी वन से ज्यादा होगी आगे चली जाएगी ठीक है वी टू और इसकी स्पीड हो जाएगी वी वन तो बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड v2, v2 से बड़ा होगा अगर आपको ये बात अभी नहीं भी पता है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे हम यहां पे डिराइव करने वाले हैं v1 और v2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v1 और v2 मतलब इनकी जो वेलोसिटीज हैं कोलिजन के बाद उसके लिए फॉर्मूला किसकी टर्म्स में एम वन एम टू यू वन यू टू की टर्म्स में क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमें पता क्या होगा हमें यह पता होगा कि बॉडीज के मास क्या है और कोलाइड करने से पहले बॉडीज की वेलोसिटीज क्या हैं। उसकी टर्म्स में हम डिराइव करने वाले हैं ठीक है so, सो दो इक्वेशन हम लोग यहां पे यूज करेंगे क्योंकि ये है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और कानेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर आप इक्वेशन लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाओ एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ठीक है अब अब डेरिवेशन में क्यों करा रहा हूं डेरिवेशन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन डेप्थ आपको समझा सकूं एक एक चीज डेरिवेशन आपको वैसे जेई नीट के लिए नहीं चाहिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए और अब तो क्लास इलेवेंथ के लिए भी नहीं चाहिए बट मैं देख रहा हूं कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो डेरीवेशन वगैरह दे रहे हैं अभी भी थ्योरी क्वेश्चन दे रहे हैं तो अगर आपका स्कूल भी उनमें से है तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक डेरिवेशन वाला ठीक तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं एम वन वाली टर्म को और एम वन कॉमन ले लूं तो बनेगा यू वन माइनस वी वन और इसको मैं उधर ले जाऊं और एम टू कॉमन ले लूं तो आएगा वी टू माइनस यू टू ठीक इसको हम ले लें वन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन मतलब हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वेयर इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायेर हाफ से हाफ कट गया यहां भी एम वन वाली टर्म को अगर मैं ले यहां पे, तो एम वन इंटू क्या बचेगा यू वन स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वायेयर इक्वल टू यहाँ एम टू वाली टर्म रखूँ और एम टू को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा वी टू स्क्वायेयर माइनस यू टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ तो ये होगा यू वन माइनस वी वन इं टू यू वन प्लस वी वन और ये होगा एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू इं टू वी टू प्लस यू टू ठीक एंड दिस इज योर इक्वेशन टू अब आपने क्या करना है वन और टू को डिवाइड कर देना है अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस करूं तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी मेरे को फाइनली क्या मिलेगा यू वन प्लस वी वन इक्वल टू वी टू प्लस यू टू और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को रिजल्ट मिला यहां पे जरा देखना U1 वन माइनस यू टू क्या है वेलोसिटी से ये जा रहा है U2 से ये जा रहा है यू वनोसिटी सेम हैं सब्रैक्ट कर दिया तो यू वन माइनस यू टू क्या देगा इनकी रिलेटिव देगा टकरेटिविटी तो देगा टकराने के बाद की यानी कि टकराने से पहले की रिलेटिव और टकराने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती है इंडिविजुअली इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है टकराने से पहले यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो चेंज नहीं होती यहां से हमको ये रिजल्ट मिला है ठीक और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भाई कोलिजन से पहले वो अप्रोच कर रहे होंगे तभी तो कोलाइड करे अगर वो अप्रोच यानी कर ही न रहे होते पास आई ना रहे होते, रहे होते तो कोलाइड कैसे करते और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो हमें ये रिजल्ट मिला कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों जो है वो बराबर होती हैं समझ में आई बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जिसपे एक अलग वीडियो बनाऊंगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ़ रेस्टिट्यूशन इसको ई e से डिनोट करते हैं हम और ये क्या होता है ये रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस रेशियो को यानी वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू इसको बोलते हैं कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके ऊपर डिटेल में टॉपिक बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा वी टू किसको लेना है वी वन कैसे लेना है कब लेना है सप्रैक्ट कैसे करना है एड कैसे करना है वो सारी चीजें ठीक तो यहां पे अगर मैं देखूं ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि फॉर फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई है वन है ना क्योंकि ये दोनों बराबर है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए e है 1 और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज टकराएं और फिर कोलिजन के बाद वो बिल्कुल भी शेप रीगेन ना करें ऐसा कब पॉसिबल है ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो टकराते ही चिपक जाए आपस में क्योंकि अगर हल्का सा भी सेपरेट होंगे तो शेप रीगेन कर सकते हैं है ना तो ऐसी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है जिसमें दोनों बॉडीज टकराने के बाद आपस में चिपक जाती हैं और फिर जहां नहीं तो उनकी रिलेटिव क्या होगी सो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू है जीरो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई क्या है जीरो एंड फॉर अदर कोलिजन अब आपको बताया है कि ना ही तो कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक होती है तो जो ई है वो हमारा जीरो से वन के बीच में लाइक करता है प्रैक्टिकली एक्चुअल में जो कोलिजन होती है उनमें जितना ज्यादा यह जीरो के पास होगा उतनी कोलिजन इन इलास्टिक होगी जितनी इसकी वैल्यू वन के पास होगी उतनी ज्यादा कोलिजन में इलास्टिक बिहेवियर होगा ठीक इस पर डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम यहां पर v1 v2 की वैल्यू निकाल रहे थे तो हम उसी पे फोकस करते हैं सो so, यहां पे यहां पे हमको v1 v2 निकाल लो v1 की टर्म्स में है ना v2 की वैल्यू क्या आई u1 वन माइनस यू टू प्लस वी की वैल्यू क्या आई u1 वन माइनस यू टू प्लस वी वन और वो आप इस इक्वेशन में डाल दोगे तो एक वेरिएबल हमारा कम हो जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ठीक एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू एम वन वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन ठीक अब हमको वी वन की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ वी वन है वहाँ से वी वन कॉमन ले लें उसको इधर लिख लें और बाकी सब उधर सेंड कर देंगे एम वन प्लस एम टू यहाँ बचेगा ये सब इधर भेज दो एम टू यू टू यहाँ पर ऑलरेडी है एक माइनस वाला एम टू यू टू आएगा तो टू एम टू यू टू हो जाएगा और एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन तो यू वन कॉमन ले लो एम वन माइनस एम टू इंटू यू वन ठीक ये बचेगा तो वी वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये इधर चला गया ना नीचे इंटू यू वन प्लस टू एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है जो हम न्यूमेरिकल वाला लेक्चर करने वाले हैं यहां से हम सीधा इस फॉर्मूले को उठाएंगे और कहानी अपनी शुरू कर देंगे न्यूमेरिकल्स वाली तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए V1 वन इज एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन टू एम टू यू टू अपॉन M1 M2. आपको सिर्फ न्यूमिनेटर वाली टर्म याद करनी है डिनोमिनेटर में है है जिसको याद करना है. ठीक अच्छा अगर ये वी वन की वैल्यू है तो वी टू की वैल्यू क्या होगी V2 की वैल्यू कैसे आएगी अभी आपने किसको सब्सिट्यूट किया अभी आपने सब्सिट्यूट करी V2 की वैल्यू यहीं से V1 की वैल्यू निकाल के सब्सिट्यूट कर देंगे तो V2 आ जाएगा बट वो डिराइव करने की हमको जरूरत नहीं है अगर आप यहां पर हर जगह वन सब्सक्रिप्ट की जगह टू लगा दें और टू की जगह वन लगा दें तो ये आ जाएगा ये वी टू की वैल्यू ठीक समझ में आई बात तो ये v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज हमारी आ गई हैं और ये वन ये पूरा टॉपिक की हेडिंग आप याद रखें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये उसी के लिए है रिजल्ट्स पहले हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे उसके बाद हम इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन करेंगे फिर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझेंगे फिर दोनों कोलिजन टू डायमेंशन में करेंगे फिर इनके कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे काफी चीजें हैं इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको करवाने वाला हूं यहां पे आप स्पेशल केसेस ले सकते हो एक स्पेशल केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि अगर दोनों के मासिस बराबर हों मान लो एम दोनों इक्वल मास की बॉडीज को लाइड करें तो आप देखो दोनों बराबर एम माइनस एम ये तो जीरो हो जाएगा टू एम अपॉन टू एम ये कट जाएगा तो वी वन आएगा यू टू और वी टू आएगा यू वन समझ रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई अगर इक्वल मास वाली बॉडीज को लाइड करती हैं तो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल हो जाएगी यानी v1 जो है वो इसके बराबर है और v2 जो है वो इसके बराबर है ऐसा होता है ना जैसे जैसे पूल खेल रहे हो आप यहां पे आपने एक बॉल को बिल्कुल हेड ऑन मारा दिस इज आल्सो कॉल्ड द हेड ऑन कोलिजन ठीक है जब आपने इसको बिल्कुल हेड ऑन ऐसे लाकर हिट किया तो क्या होगा ये ये रेस्ट पे है बॉडी ये रेस्ट पे है तो क्या होता है बिल्कुल हेड ऑन मारा तो ये रेस्ट पे आ जाती है और ये उतनी ही वेलोसिटी से आगे चली जाती है अभी फिलहाल आप इतना याद रखो अगले लेक्चर में इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे आप इतना याद रखो आपके स्कूल में डेरिवेशन आ रही है तो आप डेरिवेशन प्रिपेयर कर लो फिलहाल इतना ही इन फॉर्मुलों को याद रखो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो ये टिप्स पे होने चाहिए तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो आ, इस पे बेस्ड अभी वर्कशीट नहीं दे रहा हूं मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा तब न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट दूंगा आप अभी इतना ही पढ़ के आ जाना तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट